दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं हाउ टू सॉल्व प्ले स्टोर डाउनलोड पेंडिंग प्रॉब्लम इन 2022? क्या आप भी जानना चाहते हैं किसी भी ऐप को जब आप प्ले स्टोर के अंदर जाके उसे डाउनलोड करते हैं और उस ऐप में आपको पेंडिंग प्रॉब्लम आती है? जैसे कि दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि XYZ जैसे MS टकाटक है, ठीक है, इस पर हमने इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक किया, ये पेंडिंग नज़र आ रहा है। इस प्रॉब्लम को दोस्तों आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेते तो आप इजीली तरीके से प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंपल से जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देख लेना है ऐप मैनेजमेंट। अब आपका अदर कंपनी का कोई फ़ोन हो, रेडमी वगैरह का, तो वहाँ पे आपको ऐप मिलेगा, ठीक है, या कोई और कंपनी का हो ऐप मिलेगा या ऐप मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेज ऐप भी मिल सकता है या ऐप लिस्ट मिल सकता है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा, नीचे की तरफ आपको चलना है, मिलेगा प्ले स्टोर। अगर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप ऊपर सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर। जैसे कि हमने सर्च किया, प्ले स्टोर पे क्लिक कर दिया, इसे आपको सबसे पहले फोर्स स्टॉप करना होगा। स्टोरेज यूज पे क्लिक करके क्लियर कैच और क्लियर डाटा उसके आपको दोनों कर देने होंगे। क्लियर डाटा करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आपको मिलेगा डाटा यूज डिटेल्स। अगर ये ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तभी आपको इन्हें छेड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है अगर नहीं मिल रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शन आपके ऑन हो तो इन्हें आपको बंद कर देना होगा। यहाँ पे आपके फोन में रजिस्ट्रिक डाटा भी हो सकता है और दोनों ऑप्शन आपको ऑन ही रहने देने होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ परमिशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट लोकेशन की परमिशन नहीं देनी होती है प्ले स्टोर के अंदर, केवल फोन SMS स्टोरेज की परमिशन दे देनी होती है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों ओपन बाय डिफॉल्ट पे आपको क्लिक करना है, ओपन सपोर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, अलाउ ऐप टू ओपन सपोर्टेड लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बिल्कुल नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, मिलेगा आपको play.google.com, उस पर क्लिक करना है। अगर ये आपके में सेटिंग है तभी आपको करना, नहीं है तो नहीं करनी होगी। इस तरीके से बाहर निकलना है। मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए हम स्विच ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे, उसके बाद प्ले स्टोर पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो प्ले स्टोर पर आपको थोड़ा बहुत एरर नज़र आ सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका डाटा क्लियर हुआ है। इसलिए यहाँ हमने ऐप पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। MS टकाटक पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। इंस्टॉल बटन पे हमने क्लिक किया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखो यहाँ से हमने इजीली तरीके से MS टकाटक ऐप की डाउनलोडिंग प्रॉब्लम को हमने फिक्स कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, हमने बिल्कुल इजीली तरीके से MS टकाटक शॉर्ट वीडियो ऐप को डाउनलोड कर लिया है, यहां से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो हमारे फ़ोन में इस तरीके से आ चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप पेंडिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अगर आपकी इंटरनेट नहीं आता तब भी आपको ये प्रॉब्लम शो हो सकती है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बार को खींचना है। यहाँ पर आपको एरोप्लेन मोड मिलेगा, उस पर एक बार टैप करके फिर से आपको उसी पर टैप कर देना होगा। यहाँ से जब से ही आप डिस्कनेक्ट होगा आपका नेट, फिर से कनेक्ट होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए, कंप्लीट वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।